दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लाल किला हिंसा के मामले में फरार 1 लाख रुपए के इनामी गुरजोत सिंह को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लाल किला हिंसा में फरार होने के बाद गुरजोत पर पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। DCP संजीव यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरजोत को पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार किया है और फरारी के दौरान वह लगातार पंजाब में ही अपने ठिकाने बदल बदल कर छिप कर रह रहा था। स्पेशल सेल की टीम ने गुरजोत को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट के समक्ष पेश किया है, जिसके बाद उसे क्राइम ब्रांच को हैंडओवर कर दिया गया है, क्योंकि लाल किला हिंसा केस की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी। गौरतलब है कि इस मामले में पहले भी कई गिरफ्तारी हो चुकी है। गुरजोत सिंह जो कि 26 जनवरी को जो लाल किले के ऊपर कार्रवाई हुई थी पब्लिक के द्वारा और जो मॉब आ गई थी, उस केस में गुरजोत सिंह को कल अमृतसर से गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का रिवॉर्ड भी डिक्लेयर किया हुआ था। इसका जो रोल है, अभी क्राइम ब्रांच की टीम और स्पेशल सेल की टीम इसको इंटरोगेट कर रही है, तब इसके बाद इसका रोल मालूम चलेगा। अदरवाइज इसने उस समय जो भी गतिविधियाँ हुई थी लाल किले के ऊपर और उसमें इसका एक महत्वपूर्ण रोल था। तो अभी तक क्या इसकी कोई वीडियोस है, क्या कोई फुटेज है जिसमें जिस समय यह इंसिडेंट हुआ था 26 जनवरी को, इसने बाहर निकलकर मीडिया में बाइक दी थी और उस समय जो रेड फूट के ऊपर झंडे फहराए गए थे उसमें इसने अपना रोल बताया था। इसी के तहत इस केस में ये वांटेड हुआ था और इसके ऊपर 1 लाख का रिवॉर्ड भी डिक्लेयर हुआ था। कहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई सर? अमृतसर में पंजाब से, कल इसकी अमृतसर पंजाब से गिरफ्तारी हुई थी। उसको यहाँ पर लाया गया और कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कर रही है, तो उसके बाद क्राइम ब्रांच को हैंडओवर किया जा रहा है। सर कहाँ कहाँ छुपा था ये फरारी के दौरान, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से फरार था? ज़्यादातर जितनी इंटरोगेशन उसके हिसाब से पंजाब के अंदर ही था, कहीं और नहीं भागा।